जामताड़ा जिला पशुपालन कार्यालय परिसर में आज विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। दुग्ध दिवस पर पशुपालन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को रोजगार मिलने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के किसान गोपालन करके न सिर्फ दुग्ध की कमी को दूर कर सकते हैं बल्कि अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। पशुपालन विभाग प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, ताकि लोगों में दुग्ध का अधिक से अधिक उत्पादन और उपयोग किया जा सके, ताकि आम लोगों की इम्यूनिटी बढ़े और लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे जिले के कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार ने कहा कि आज राष्ट्रीय स्तर पर 400 ml की खपत है, जबकि राज्य स्तरीय 150 ml की खपत है, जो राष्ट्रीय आंकड़े से बहुत कम है। हमें झारखंड के किसानों को कृषि के साथ पशुपालन में भी आत्मनिर्भर बनाकर इस गैप को खत्म करना है। दुग्ध उत्पादन बढ़ेगी तो खपत बढ़ेगी, और जब खपत बढ़ेगी तभी हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इस मौके पर पशुपालन विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, अवर प्रमंडल पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार सहित जिला अंतर्गत सभी भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी मेरी निशा तिग्गा, डॉक्टर रवि ज्ञान सुमन, रितेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर प्रेम चंद साह, डॉक्टर मुन्नी मुर्मू आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत, जामताड़ा। हम लोगों को जागरूक करना है कि दूध को दूध का बढ़ावा करना है और इसका खान पान में प्रयोग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यवहार करें, जिससे पौष्टिक लोग हो, निरोग रहे, है ना, इसमें इम्यूनिटी ज़्यादा है, सुपाच्य है, सब कोई इसका ग्रहण करते हैं। इसका बहुत सारा वैरायटी बना के मिठाई का उपयोग, दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, खोआ बना के खाते हैं, भिन्न भिन्न तरह का लोग उपयोग करते हैं। और जब इसका सबों में रुचि बढ़ेगी तो इसकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ने के लिए हम लोग हमारा गव्य विकास विभाग जो है इसके लिए प्रयत्नशील है, सरकार भी प्रयत्नशील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़िले में दूध का उत्पादन बढ़े, और इसके लिए कुछ योजनाएं सरकार चला रही है, पशुधन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी परिवेश करते हैं उसके जीविकोपार्जन हेतु दो गाय की योजना, पांच गाय की योजना, दस गाय की योजना चला रखी है। इस वर्ल्ड मिल्क डे जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे फ़ायदा क्या होता है? आज विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है सब जगह। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे जिले के या राज्य के निवासी हैं, उनको दुग्ध के प्रति उनको सजग करना कि हमारा जो कंजम्पशन है उसको कैसे बढ़ाएं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे 400 ml पर डे का कंजम्पशन है, जबकि हमारे झारखंड में अभी तक 150 ml पर डे का कंजम्पशन है। तो इसका जो गैप है इसको भी फुलफिल करेंगे, और जब गैप डिमांड बढ़ेगा तो हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और मुख्य उद्देश्य इसका है कि किसान दूध का उत्पादन करे, और जानवर जब उनके पास बढ़ेगी तो उनकी आय में वृद्धि होगी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम आय को दुगुना करें, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन इसमें अहम रोल अदा करेगा। इसी के लिए आज विश्व दूध दिवस मनाया जा रहा है और हम जामताड़ा में भी मना रहे हैं, जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी उपस्थित थे, और हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे आने वाले साल में हम इसको कैसे बढ़ाएं। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।